आज की वीडियो में आपको बॉलीवुड के कूल डैडीज के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। विराट कोहली। ऑल्दो विराट कोहली बी टाउन का हिस्सा नहीं है, मगर विराट एज अनुष्का's हस्बैंड बी टाउन का ही हिस्सा कहलाए जाएंगे। और विराट ने पेरेंटिंग की जो इंस्पिरेशन दी है, सभी उनको फॉलो भी करते हैं। विराट एक सुपर डैड हैं और रिसेंटली उन्हें बेबी वामिका की डैडी ड्यूटीज करते हुए भी देखा गया है। सैफ अली खान। सैफ अली खान भी बॉलीवुड टाउन के कूलेस्ट डैड हैं। सैफ अली खान इस वक्त 4 बच्चों के डैड हैं और एक सुपर डैड की तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। शाहरुख खान। शाहरुख खान हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में काफ़ी एक्सप्रेसिव रहे हैं। शाहरुख खान की ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया पोस्ट उनके बच्चों के साथ या उनके बारे में ही होती हैं। शाहिद कपूर। शाहिद और मीरा बी टाउन का एक क्यूट कपल है। शाहिद कपूर हमेशा ही अपने बच्चों के साथ बहुत कूल रहते हैं और वो बहुत ही लविंग फादर भी हैं। ऋतिक रोशन। डाइवोर्स के बाद भी ऋतिक रोशन ने खुद को फैमिली से अलग नहीं किया। ऋतिक अपने बेटों से बहुत क्लोज हैं, पर इवन उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान भी उनको बेस्ट डैड एवर कहती हैं। कुणाल खेमू। कुणाल का इंस्टाग्राम सिर्फ उनकी बेटी की ही वीडियोस और पोस्ट से भरा हुआ है। कुणाल बहुत ही फन लविंग डैड हैं और वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी के साथ गुजारना पसंद करते हैं। अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आराध्या के जन्म के बाद अभिषेक ने फिल्म में इंटीमेट सीन्स करने भी छोड़ दिए हैं। अनिल कपूर। 60 साल के होने के बावजूद अनिल कपूर बी टाउन के एक फिटेस्ट डैड हैं। अनिल दिल से जवान हैं और एक कूल डैड हैं, और उनके बच्चे और वो आपस में बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। आपको बॉलीवुड के किस कूल डैड के बारे में जानकर अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।